कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने की। इस दौरान राहुल ने कहा कि मोदी सरकार सत्ता के नशे में चूर है और असहमति की आवाज को दबाना चाहती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के बहाने सिविल सोसाइटी को सवाल पूछने से रोका जा रहा है, टीवी चैनलों को बंद किया जा रहा है और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। राहुल ने एक बार फिर वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के तहत यह लोकतंत्र के लिए सबसे अंधकारमय समय है। सवाल पूछने से यह सरकार असहज होती है, इनके पास जवाब नहीं है। हमें आने वाले संसद सत्र में सरकार की नाकामियों को उजागर करना है। जम्मू कश्मीर की चर्चा करते हुए राहुल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान से जुड़े मुद्दे पर सरकार एक किनारे से दूसरे किनारे जा रही है। हमारे जवानों को OROP पर धोखा दिया जा रहा है और पेंशन घटा दी गई है। आपको बता दें कि इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी मौजूद नहीं हुई। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से सोनिया CWC बैठक में शामिल नहीं हो पाई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने पर कोई फैसला नहीं लिया गया। तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। इस बैठक में साफ हो गया है कि 16 नवंबर से शुरू होने वाला शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहेगा और मोदी सरकार के लिए कई अहम बिलों को पास कराने की राह आसान नहीं होगी। देखते रहिए टीवी लाइव।